बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे चार अहम इशूज के हवाले से। नवाज़ शरीफ के साबिक अटारनी जनरल ने नवाज़ शरीफ के की करप्शन का और नवाज़ शरीफ की फिरौनियत का पोल खोला है, और कैसे सिटिंग चीफ जस्टिस को हटाने का मंसूबा बनाया था नवाज़ शरीफ ने, जो आज बेनकाब हुआ है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे नू लीग का FIA पर हमला, FIA पर जो उन्होंने हर्जा सराई की है और जो इल्ज़ामात लगाए हैं, और जिस तरीके से FIA को ये डील कर रहे हैं वो इंतहाई शर्मनाक है, और उसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे कि असल मामला क्या हुआ है। लेकिन पहले जो अहम मामला है वो ये है कि आर्मी चीफ से नवाज शरीफ की माफ़ी के मामले पर जो बात हुई है, अब ज़राए के मुताबिक वो बात सामने आ गई है। और जैसे अमेरिका को कहा गया है एब्सोल्युटली नो, ऐसे ही कह दिया गया है नवाज शरीफ को एब्सोल्युटली नो और कोई माफ़ी नहीं है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं, किसने नवाज शरीफ की माफ़ी की बात की और आगे आर्मी चीफ ने क्या जवाब दिया, बड़ी अहम उस पर तफसीलात हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन जहांगीर तरीन के हवाले से जो एक अफवाह फैलाई जा रही थी और जो बात की जा रही थी कि जहांगीर तरीन को कोई NRO मिल गया है या जहांगीर तरीन को वज़ीर आज़म इमरान खान बचाना चाहते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जहांगीर तरीन ने अभी तक सिर्फ अपनी ज़मानत वापस ली है, और उसकी वजह यह है कि जो FIA है उसका एक तरीक़ाकार है, और तरीक़ाकार ये है कि जब FIA ने किसी को किसी के ख़िलाफ़ केस बनाते हैं तो पहले तफ्तीश करते हैं, जब तफ्तीश मुकम्मल हो फिर फैसला किया जाता है कि आया उनको गिरफ़्तार करना है या नहीं करना, इससे पहले वो गिरफ़्तार नहीं करते। जब जहांगीर तरीन और अली तरीन के ख़िलाफ़ केस चला, और अभी तफ्तीश क्योंकि बहुत बड़ा फ्रॉड था, बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग थी, और उसमें कई दिन लग सकते थे तफ्तीश में, और ऑनरेबल जो सेशन अदालत थी या बैंकिंग कोर्ट जो FIA की थी वो हर तारीख पर ये कह रहे थे कि आप जल्द अज जल्द तफ्तीश मुकम्मल करके ले आए, तो जल्दबाजी हो जाती। इस वजह से FIA ने कहा कि अभी फ़िलहाल हम इनको गिरफ़्तार नहीं करना चाहते, जब गिरफ़्तार करना होगा तो हम इनको बाकायदा इन्फॉर्म करेंगे, जिस पर अदालत ने कहा था कि इनको 8 दिन पहले बताना है और उसके बाद गिरफ़्तार करना है। तो इनकी को ज़मानत मंजूर नहीं हुई थी, ज़मानत वापस ली गई थी कि अभी ये प्री मेच्योर है। बिल्कुल वैसे ही जब हमजा शहबाज को तलब किया जाता है कि मनी ट्रेल दें अपने असासों की, वैसे ही अली तरीन को नोटिस जारी किया गया है, और ये कहा गया है कि वो मुकर्रा वक्त तक 1 माह के अंदर अंदर या रिकॉर्ड फराहम करें या उनके जो अकाउंट्स हैं वो मुजमद करके भाग के सरकार जब्त कर लिए जाएंगे। जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को जो भेजा गया है उसमें कहा गया है कि जो बैंक अकाउंट्स में सरमायाकारी का रिकॉर्ड है वो तलब किया है, कारोबार के लिए बैंकों या फैमिली मेम्बरान से जितनी रकम ली है उसकी उसका रिकॉर्ड तलब कर लिया है, और साथ उन्होंने ये कहा है कि अगर आप पेश नहीं होंगे 30 दिन के अंदर अंदर तो फिर आपको इस सारे के सारे मामले पर जो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको भाग के सरकार जब्त कर दिया जाएगा, और आपके पास दोबारा अपने आप को डिफेंड करने का भी मौका नहीं होगा। यह नोटिस जारी किया गया है, और उसमें यह कहा गया है कि आप इन सारी की सारी चीज़ों पर जो है वो तफसीलात लाएं। दूसरी तरफ हमजा शहबाज से जो तफसील पूछी गई थी, अब मज़ीद तफसील FIA सामने लेकर आई है, जिसके बाद नून लीग को अब बड़ी तकलीफ़ है FIA से। हमजा शहबाज से जुडिशल एम्प्लॉय सोसाइटी में मकान नंबर 48 से 51 तक की 10 कनाल अराजी की मनी ट्रेल पूछी गई है। 10 कनाल का बंगला है इनका, जो क्लब रोड पर जो जुडिशल कॉलोनी है, एम्प्लॉय सोसाइटी है, वहाँ पर उसका हिसाब पूछा गया है कि वो आपने 10 कनाल की अराजी कहाँ से बनाई। वो लाहौर की कमर्शियल और मार रोड से मुलक्का जो अराजी है, 10 कनाल का इसका महल है हमजा शहबाज का, उसकी तफसील पूछी गई है। जोहर टाउन में प्लाट नंबर 61 से 71 के ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ की मनी ट्रेल भी तलब। चिन्योट में 250 कनाल अराजी। 2008 के बाद से रमज़ान शुगर मिल में सरमायाकारी की जो मनी ट्रेल है वो भी तलब की गई है। इसके अलावा शरीफ फीड मिल, मदीना कंस्ट्रक्शन, मदनी ट्रेडिंग कंपनी, शरीफ पोल्ट्री, शरीफ डेयरी की मनी ट्रेल भी तलब की गई है हमजा शहबाज से। बैंक अकाउंट्स, शेयर्स, ज्वेलरी, कैश और प्राइस बॉन्ड्स की भी तफसीलात तलब की गई हैं, और अब FIA इन सारे मामलों पर बिल्कुल खुल कर सामने आ गए, और FIA अब इनको माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं है, और अब इनके लिए अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल है। दूसरी तरफ मरियम औरंगज़ेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और मरियम औरंगज़ेब ने FIA के ऊपर एक तरह से बहुतान दराजी की है। बहुतान ये लगाया है
कि FIA को जो FIA जो जिस तरीके से नैब के ऊपर FIA जिस तरीके से हमजा शहबाज के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, इस पर अब FIA न्याजी FIA गठजोड़ हो चुका है। नैब के बाद अब FIA को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। 22 माह हमजा शहबाज जेल में गुजार कर आए हैं और उनके खिलाफ 58 वालियों पर मुश्तमिल रेफरेंस फाइल किए गए हैं। उसके बाद कौन सी मनी ट्रेल ये पूछ रहे हैं और कैसे ये हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? उन्होंने कहा, हर असासा दस्तावेज में जाहिर शुदा है जिस पर आज तक कोई एतराज़ नहीं हुआ। अब आज तक एतराज़ कैसे होता कि जब आपने बनाया, जब आपने चुराया, तब तो आपकी हुकूमत थी। अब पहली बार तो आपके खिलाफ एहतसाब शुरू हुआ है और अब आप कहते हैं कि आज तक किसी और ने नहीं पूछा, तो आप कैसे पूछ रहे हैं? आप नहीं, आज तक तो आप खुद ही पूछने वाले थे, आप खुद एहतसाब करने वाले थे, तो आपसे कौन पूछता? उन्होंने कहा कि जिन जायदादों का जिक्र किया जा रहा है वो पहले ही कानूनी अमल का हिस्सा है। FIA ज़ाती मुलाजम ना बने बल्कि रियासती इदारे का काम करे और जिस तरीके से वो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं हम इन सारी चीज़ों को जानते हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि FIA नैब और इमरान खान चाहते क्या हैं, क्यों हमजा शहबाज के खिलाफ एहतसाब अदालत में जो सबूत है वो पेश नहीं किया जा सका। अच्छा देखें, अभी एहतसाब अदालत में इनके सिर्फ 10 गवाह हुए हैं। एहतसाब अदालत ने कौन सा इनको ब्री कर दिया कि ये कहते हैं कि एहतसाब अदालत में तो ये किसी भी तरह का सबूत नहीं दे सके, अब यहाँ क्या सबूत देंगे? अभी एहतसाब अदालत में तो मनी ट्रेल का जो केस है वो शुरू हुआ है और वहाँ इनकी वजह से इन्होंने जजेस को ट्रांसफ़र कराया, ये खौफजदा थे और इस सारे के सारे मामले पर ये डरे हुए थे, लेकिन अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं FIA पर। हालांकि FIA कानून के मुताबिक सारी की सारी कार्रवाई कर रहा है। अगर FIA ने इनको गिरफ़्तार करना होता तो जिस दिन ये जेल से निकले थे उससे अगले दिन इनको गिरफ़्तार कर लिया जाता और ये 4 दिन जेल में बैठे रहे थे इस खौफ की वजह से कि कहीं FIA इनको गिरफ़्तार ना कर ले। तो ये सारी चीज़ें हकीकत हैं। साथ नवाज शरीफ को जब नहल किया गया और उस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार थे, तो चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इतना गुस्सा थे नवाज शरीफ कि चीफ जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़ रेफरेंस तैयार कर लिया कि इनको नहल किया जाए। अब ये नवाज शरीफ बदला लेना चाहते थे जस्टिस साकिब निसार से। उश्तरा उसाफ साहब, अश्तरा उसाफ साहब आप जानते हैं कि सीनियर एडवोकेट हैं और वो साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, वो नून लीग के दौर में अटॉर्नी जनरल थे, जब इनको नायल किया गया तब वही अटॉर्नी जनरल थे। उन्होंने अब पहली बार इंकशाफ किया है। अश्तरा उसाफ साहब का ये कहना है कि जब नवाज शरीफ को नायल किया गया तो नवाज शरीफ को नायल करने के बाद नवाज शरीफ ने कहा कि चीफ जस्टिस साकिब निसार को नहीं रहना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ रेफरेंस हर हाल में होना चाहिए और इसको घर भेजना चाहिए, इसने गुस्ताखी कैसे की मुझे सज़ा देकर। अश्तर उसाफ साहब फरमाते हैं कि जब मैं सारे मामले को देख रहा था, मुझे शायद खकान अब्बासी ने अपने दफ्तर में बुलाया और मेरे सामने वो रेफरेंस रखा। जब मैंने वो रेफरेंस देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया कि सिटिंग चीफ जस्टिस है, आप उसके खिलाफ कैसे ये सारा कुछ कर सकते हैं और कैसे आप रेफरेंस फाइल कर सकते हैं इस बुनियाद पर कि आपको नहल करार दिया गया है या इस बुनियाद पर कि आपके खिलाफ फैसला आया है या आपके खिलाफ JIT बनाई गई है और आप इस बुनियाद पर उनके खिलाफ रेफरेंस बनाते हैं। आज मरियम नवाज काजी साहब के मामला पर इमरान खान को ब्लेम तो करती हैं, लेकिन उनसे कोई पूछे कि आपके बाप को कानून के मुताबिक जिसने नायल करार दिया था, आप उसके बारे में आपके क्या रिमार्क्स थे, आप कैसे हम सारी की सारी चीज़ों को स्कैंडलाइज करते थे और आप उनको घर भेजना चाहते थे? अश्तर उसाफ साहब फरमाते हैं कि मैंने बड़ी कोशिश की इनको समझाने की, फिर जब ये मामला ममनून हुसैन के पास गया जो सदर थे, उन्होंने भी वो भी डर गए, उन्होंने कहा कि ये मामला तो ख़राब होगा। अश्तर उसाफ साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस खुद जो चेयरमैन होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, तो ये कैसे होगा? और फिर पूरी जो लीगल फ्रटर्निटी है वो खिलाफ खड़ी हो जाएगी और वो इस मामले को बर्दाश्त नहीं करेगी। अश्तर उसाफ साहब कहते हैं कि हमने बड़ी कोशिश के बाद नवाज शरीफ को काम डाउन किया। नवाज शरीफ चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इस बात से गुस्सा थे कि उनको क्यों घर भेजा गया है या उनको क्यों निकाला है, और इस वजह से वो साकिब निसार को निकालना चाहते थे, लेकिन हम क्योंकि हामी ना भरी और हम इस सारे मामलात को जानते थे, इस वजह से वो अपने जो उनकी एक बैड इंटेंशन थी वो पीछे हटे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये आज इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले हैं, जजेस के ऊपर हमला तो दूर की बात है। जो जज इनकी मानते थे उनको ये ब्रीफ केस भेजते थे और टेलीफोन पर काम करवाते थे, और जो नहीं मानते थे उनके ख़िलाफ़ ये रेफरेंस तैयार करते थे। ये है इनकी असल हकीकत और ये उनके घर का बंदा, घर के भेदी ने लंका ढाई है। अश्तर उसाफ साहब ये बात बता रहे हैं कि नवाज शरीफ की ये मैंटेलिटी थी। दूसरी तरफ जो पिछले दिनों कौमी सलामती का इजलास हुआ और उसमें अपोजिशन लीडर्स भी थे, बिलावल जरदारी बार बार अली वज़ीर की माफ़ी मांग रहा था।
अली वज़ीर के बारे में जो फ़ौज के हेड हैं, आर्मी चीफ़ हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझे गालियां देता है, जनरल फैज़ को कोई गालियां देता है, हमें नहीं कोई फ़र्क पड़ता। उन्होंने मिसाल दी कि जैसे नवाज़ शरीफ ने गालियां दी, जैसे जो दूसरी तरफ जो अयाज़ सादिक थे उन्होंने गालियां दी, या कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने गालियाँ दी, वो गालियाँ देते हैं, लेकिन जब फ़ौज को बतौर इदारा गालियाँ देंगे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और जिनके हर रोज़ लाशें जाती हैं, उनको हम कभी माफ़ नहीं कर सकते। बिलावल जरदारी बार बार कह रहे थे कि इसका मतलब है फिर किसी और को माफ़ी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा जिसने फौज को बतौर इदारा बदनाम करने की कोशिश की है उनके लिए नो है, और ये एब्सोल्युटली नो है, इसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है। और ज़राए के मुताबिक ये बिलावल जरदारी ने जिस कंटेक्स्ट में बात की थी वो थी जो नवाज शरीफ है, कि वो नवाज शरीफ के हवाले से ये पूछना चाह रहे थे कि क्या नवाज शरीफ को माफ़ी मिल सकती है, नवाज शरीफ के साथ कोई NR हो सकता है। तो फौज का ये जवाब था कि जो फौज को गालियां देगा, हमें ज़ाती तौर पर जनरलों को जो बोलते रहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हम सुनते हैं, हमारे अंदर इतना है, लेकिन जब आप फौज को बतौर इदारा गाली देंगे या उसके ख़िलाफ़ बगावत करेंगे एक इदारे के ख़िलाफ़, और फिर आप हमसे उम्मीद रखें कि हम माफ़ी देंगे, फिर हमने नहीं माफ़ी देनी, माफ़ नहीं मांगनी है, तो जाएँ बॉर्डर पर खड़े उस फौजी से माफ़ी मांगें जो हर तीसरे दिन वहाँ पर लोग शहीद हो रहे हैं और आवाम की हिफाजत में शहीद हो रहे हैं, और ये लोग सरेआम बग़ैर किसी वजह के, सिर्फ अपने बुक्स की वजह से। बाजवा ने कहा कि अगर मुझसे किसी को बुक्स है तो फौज को तो ना गालियां दे, मुझे जाती तौर पे जो कहना चाहते वो कहता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनरल फैज़ को कहता रहे, लेकिन फौज को जो गालियां देगा उसके लिए माफी नहीं है। ज़राए के मुताबिक जो नून लीग के अरकान थे वो आर्मी चीफ़ के आसपास खड़े रहे, क्योंकि 8 घंटे की तो ये मुलाकात थी, और उनका एक ही मतमय नज़र था कि क्या माफ़ी मिल सकती है नवाज शरीफ को या फिर दूसरी तरफ हामिद मीर को। उस पर खुलकर उन्होंने अपना जवाब दे दिया और उन्होंने कहा है कि नो मोर, मज़ीद नहीं इनको NRO मिलेगा या माफ़ी मिलेगी, और जिसने जो किया उसकी सज़ा भुगतेगा। मैं समझता हूँ कि ये आखिरी दरवाज़ा है जो उनके लिए बंद हो गया, और अल्लाह की बारगाह में कैसे ज़ालिम कैसे माफ़ी मांगेगा, और अल्लाह की बारगाह में जो हकूकुल इबाद हैं वो जब तक किसी ने उनको जो है वो इन्फ्रिंज किया हो, किसी ने किसी के हकूक पर डाका डाला हो, तो जब तक वो लोग नहीं माफ़ करेंगे तो अल्लाह कैसे माफ़ करेगा। अब ये इनका मुस्तकबिल है, ये इनके हालात हैं, ये इनके बारे में मामलात हैं। मज़ीद जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।